हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे SR इलेक्ट्रिक वर्क में। तो फ्रेंड, आज हम वीडियो लेकर आए हैं। हमारी ये TV है, ये प्लेट है दोस्तों, इसमें 110 की सप्लाई, हमारी सप्लाई प्रॉपर आ रही है पर अपनी स्टैंड बाई नहीं हो रही है। तो दोस्तों, इसमें क्या दिक्कत है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये वीडियो लास्ट तक देखें, मैं आपको सारे वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ कि कहाँ कितने वोल्टेज हमारे आ रहे हैं, कहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा बल्ब भी ग्लो कर रहा है पर हमारा TV ऑन नहीं हो रहा है। मैं स्क्रीन की तरफ एक बार ले आता हूँ आपको, ये देख सकते हैं फ्रेंड, कोई भी ग्लो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड, मैं आपको वोल्टेज चेक करा दूँ, स्टेप स्टेप बाय स्टेप सारे वोल्टेज चेक करा दूँगा दोस्तों आपको। ये देखिए, 110 की सप्लाई हमारी पूरी प्रॉपर बन रही है। हमारे 20 वोल्ट भी देखिए दोस्तों, 18 वोल्ट हमारे कंपलसरी वर्टिकल के आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए 10 वोल्ट हमारे, 9 वोल्ट कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर बन रहे हैं। 13 वोल्ट की सप्लाई भी बन रही है। और दोस्तों, मैं ट्यूनर पे जो 5 वोल्ट आते हैं स्टैंड बाई के आते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए 5 वोल्ट हमारे प्रॉपर बन रहे हैं, मतलब इसका मतलब स्टैंड बाई हो रही है और हमारी TV ऑन नहीं हो रही है। तो दोस्तों, हमारे 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहे हैं, हमारा सेंसर भी जल रहा है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, देखना चाहते हैं एक बार वर्टिकल पे हम लोग वोल्टेज चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, हमारी वर्टिकल भी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है फ्रेंड। हमारा जो 110 की सप्लाई है वो चेक करते हैं, इसकी लाइन ट्रैक करते हैं दोस्तों, कहाँ तक हमारा 110 की सप्लाई जा रही है। दोस्तों, यहाँ तक तो हमारी 110 की सप्लाई जा रही है, आप देख सकते हैं। तो और दोस्तों, यहाँ पे हमारी 110 की सप्लाई नहीं बन रही है, तो इसका मतलब जो इसके बीच में जो रजिस्टर लगा होता है दोस्तों, वो डेड हो चुका है। तो दोस्तों, ये डेड हो चुका है, रजिस्टर को बाहर निकालने के बाद देखते हैं दोस्तों इसको लगा के कि हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो फ्रेंड, मैं इसको प्लग को निकाल देता हूँ बाहर। प्लग को निकालने के बाद एक बार मैं क्वांटिटी पे लेके इसको मीटर को क्वांटिटी पे करता हूँ। बीप मोड पे मैंने सेट कर लिया दोस्तों, बीप मोड पे सेट करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो फ्रेंड, मैंने इसको बीप मोड पे सेट कर लिया है मीटर को, और दोस्तों मैं इसको चेक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी ये रजिस्टर बिल्कुल डेड हो चुकी है। मैं फटाफट रजिस्टर को निकाल लेता हूँ बाहर। निकालने के बाद देखते हैं दोस्तों क्या दिक्कत आती है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये रजिस्टर्ड है, इसका कलर कोड है गोल्डन गोल्डन रेड रेड। तो दोस्तों, मैं इसकी जगह पे नई रजिस्टर्ड लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका आकार बड़ा है, ये छोटी है, काम एक ही है दोस्तों इसका और इसका। दोस्तों, हम इसको एक बार इसमें लगा कर देखते हैं कि हमारा TV ऑन होगा या नहीं होगा। दोस्तों, मैंने इसमें रजिस्टर डाल दिया है, ठीक है फ्रेंड। इसको मैं कट कर देता हूँ। इसको साफ कर लें, कोई सोल्डर वोल्डर तो नहीं लगा। फ्रेंड, मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने सप्लाई दे दी है और हमारा TV भी दोस्तों ऑन हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, देखिए फ्रेंड, हमारी सप्लाई बन चुकी है, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए, हमारा सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर बन गई है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक बार डिस्प्ले की तरफ दिखा देता हूँ कि हमारा TV ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा TV प्रॉपर ऑन हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।